नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी पिंटू जायसवाल के साथ हम मौजूद हैं रीवा रेलवे स्टेशन में। कोरोना काल के बाद धीरे धीरे स्थितियां सामान्य हो रही हैं, ट्रेनें वापस पटरी में दौड़ने लगी हैं। खुशी की बात यह है कि रीवा से नागपुर, जी हाँ, रीवा से नागपुर के लिए एक ट्रेन चलाई गई है। किस रूट से चलाई गई, कब चलेगी, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मेरे पीछे आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय एक तिरंगा देख रहे होंगे, देश की आन बान शान का प्रतीक। ये तिरंगा 50 मीटर लगभग 150 फीट ऊंचा है, शान से लहरा रहा है। आइए आपको रेलवे स्टेशन के अंदर ले चलता हूं और दिखाता हूं इतवारी रीवा से नागपुर जाने वाली ट्रेन कब जाएगी, उसमें क्या स्थितियां हैं। आज से ही वो ट्रेन सामान्य रूप से चलेगी। आगे की जानकारी देने के लिए मैं आपको रेलवे स्टेशन के अंदर की ओर लेकर चलता हूँ। हम आ पहुँचे हैं रीवा रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर। सफ़ेद शेरों की नगरी वाला यह बैनर आपको स्वयं दर्शा रहा होगा कि आप रीवा रेलवे स्टेशन के प्रवेश द्वार पर। मैं आपको अतीत के झरोखे में ले चलता हूँ। 8 मई 1993, जी हाँ, 8 मई 1993, आज से लगभग 28 साल पहले इस रेलवे स्टेशन पे पहली ट्रेन चली थी रीवा से जबलपुर के लिए। तब से लेकर आज तक कोरोना काल के पहले 10 ट्रेनें चलती थी सामान्य तौर से, स्पेशल ट्रेनों को अगर छोड़ दिया जाए तो। कोरोना काल के बाद रीवा से नागपुर वाली 7वीं ट्रेन है, वो जाएगी 5:20 पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। मैं आपको सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर लेकर चलता हूं और बताता हूं रीवा से नागपुर जाने वाली ट्रेन किस किस स्टेशन पर रुकेगी, कब जाएगी, कब आएगी। तो आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 की ओर। रीवा वासियों को एक और नई ट्रेन की सौगात मिली है। दो ऐतिहासिक शहरों को जोड़ने वाली इस ट्रेन की मांग लंबे समय से की जा रही थी। आपको याद दिला दें कि रीवा स्टेशन अपनी स्थापना के 28 बरस पूरे करने वाला है। इन सालों में रेलवे ने रीवा को राजधानी दिल्ली सहित देश के कई शहरों से सीधे जोड़ा है। रीवा स्टेशन के उद्घाटन का वह लम्हा कभी नहीं भूलता जब रीवा से पहली ट्रेन चली थी। जी हां, तरक्की की यह गाथा स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने लिखी थी। तमाम झंझवातों को मात देते हुए रीवा आज रेलवे के नक्शे पर शान से दिखता है। रीवा से नागपुर जाने वाली ये ट्रेन 24 फरवरी से गाड़ी संख्या 01754 रीवा से शाम 5:20 पर चलकर दूसरे दिन सुबह 7:25 पर इतवारी स्टेशन पहुंचेगी। वहां से गाड़ी संख्या 01753 बनकर शाम 6:30 चलकर दूसरे दिन सुबह 8:20 पर रीवा पहुंचेगी। यह ट्रेन सतना, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया के रास्ते इतवारी स्टेशन तक का सफर तय करेगी। रीवा से यह ट्रेन सोमवार, बुधवार, शनिवार को चलेगी, जबकि नागपुर से मंगलवार, गुरुवार और रविवार को 20 डिब्बों के साथ चलेगी, जिसमें एक फर्स्ट एसी, एक सेकंड एसी, 3 थर्ड एसी, 11 स्लीपर कोच और 2 सामान्य कोच होंगे। रीवा से नागपुर तक का किराया जनरल में ₹205, स्लीपर में ₹345, थर्ड एसी में ₹940, जबकि रेलवे के मुताबिक सेकंड एसी में ₹1345 और फर्स्ट एसी में ₹2230 प्रतियात्री होगा। रीवा की बहुप्रतीक्षित मांग को रेलवे ने पूरा किया है। यह ट्रेन किसी जमाने में एशिया के सबसे बड़े छोटी लाइन के जंक्शन नैनपुर को भी रीवा से जोड़ेगी। साथ ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जाने वालों के लिए भी यह ट्रेन बेहतर साबित होगी। इलाज कराने वालों के लिए नागपुर का सफर भी आसान हो गया है। मेरे पीछे आप जो ट्रेन देख रहे हैं, जी हाँ, रीवा से इतवारी, इतवारी मतलब नागपुर, रीवा से इतवारी का सफर तय करेगी। हफ्ते में 3 दिन रीवा से जाएगी, 3 दिन नागपुर से आएगी। रीवा से इसका सफर सतना, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया होता हुआ इतवारी तक का होगा। मैं आपको बताऊं, इस ट्रेन की दो खास बातें। एक तो यह ट्रेन अब एक बड़े, जिसको कह सकते हैं कान्हा
जी हाँ, कान्हा तक का सफ़र करने के लिए ये ट्रेन हो जाएगी। नैनपुर आपको उतरना पड़ेगा, वहाँ से चिराई डोंगरी, चिराई डोंगरी से आप कान्हा जा सकते हैं। नैनपुर का मैंने नाम लिया, तो नैनपुर के बारे में आपको बताऊं, छोटी लाइन का एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन नैनपुर हुआ करता था। छोटी लाइन ख़त्म कर दी गई है, बड़ी लाइन के लिए नैनपुर जाने वाली, रीवा से नैनपुर जाने वाली पहली ट्रेन, उस रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेन होगी। साफ तौर से माना जा सकता है, अभी तक जो भी यात्री रीवा से नागपुर का सफ़र करते थे वो इलाहाबाद से नागपुर जाने वाली बसों में करते थे, उसका किराया 1000 रुपये तक हुआ करता था, इसका किराया काफ़ी कम है। माना जा सकता है इस ट्रेन से चलने से उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होगा जो लोग अपना इलाज कराने के लिए रीवा से नागपुर का सफ़र तय किया करते थे। अब देखना है हफ्ते में 3 दिन चलने वाली यह ट्रेन किस तरीके से रिस्पांस देती है, उसी को देखकर रेलवे प्रशासन शायद ये तय करेगा इस ट्रेन को रेगुलर चलाया जाए या नहीं चलाया जाए। रीवा से ये 5:20 पर यहाँ से ये ट्रेन रवाना होगी, 7:30 के आसपास वहाँ पहुँचेगी, वहाँ से 1:20 देरी से चलेगी, रीवा भी 1:20 देरी से, इसका मतलब 8:30 रीवा यह ट्रेन पहुँचेगी।